जय जवान जय किसान दोस्तों, राम कृष्ण हरि। लाइक जरूर करना है दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया था। दोस्तों हम जैसे भेड़ और बकरी को फार्म से जल्दी लाया, इधर जल्दी लाया क्योंकि दोस्तों होता है क्या, उनको बैठने की जगह ठीक से नहीं, गीला होता है, वो इधर उधर जैसे साइड में किनारे की तरफ जाके बैठते हैं, और इसलिए दोस्तों उनको यहाँ पर बैठने के लिए लाया। बैठना नहीं होता है उधर, पूरा रात तक ऐसे खड़े रहते हैं या किधर तक किनारे जाके बैठते हैं, पूरा गीला गीला। वैसा बकरी को सबसे ज्यादा गीला थोड़ा ही जगह नहीं हुआ, ऐसी खड़ी रहेगी, बारिश में बिकती रहेगी और ऐसा लापड़ती जाएगी, ऐसे पूरा सुखड़ती जाएगी। लेकिन भेड़ को कैसा है, उसका भेड़ का क्या होता है, ये जैसे उनका सबसे बड़ा संरक्षण कवच जो रहता है, ये जो उनका ये रहता है बाल, ये बाल सबसे बड़ा उनका संरक्षण कवच रहता है। इसके वजह से इनके धूप रहने दो या ज़्यादा ठंडी ठंडा रहने दो, ज़्यादा बारिश रहने दो, ऐसे बारिश के मौसम के टाइम सबसे उनका जो उलन जैसा काम करता है, उलन समझते हैं आप, उलन जैसा काम करता है, उनको गर्माहट पहुंचाता है, उनका पूरा संरक्षण करता है। और ज़्यादा बारिश है भी गई तो बस आपको मालूम है, वो ऐसा ही एक्शन कर देती बराबर, तो बराबर पानी पूरा निकल जाता है। बकरी ऐसा कर नहीं पाती, इसलिए दोस्तों इन लोगों को ज़्यादा तकलीफ नहीं होती बकरी और भेड़ को। और समझ लो बीमार भी गिर गई तो बकरी बीमारी से निकलना बहुत मुश्किल होता है, ज़्यादातर पहले से समझ लो ठीक से संभाला नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा तो मर ही जाती है। लेकिन बारिश के मौसम में इन लोगों को भेड़ को सबसे अच्छा जम जाता है, लेकिन फिर भी उनको ऊपर से छेद रहना है हमेशा, जैसे बारिश लग के रह गई तो जैसे दोस्तों इनको तकलीफ हो सकती, बीमार गिर सकते, सर्दी खांसी निमोनिया तक जा सकते, सर्दी से सर्दी खांसी निमोनिया, फिर ऐसे स्टेप रहता है बीमारी का। इसलिए बारिश से ज़्यादातर भिगो के नहीं देना है, मेरे को ये वीडियो बनाने का यही दोस्तों आपको कहना है। बारिश का मौसम चल रहा है और भाई से बारिश के मौसम में इनको तकलीफ ना हो, उनको बारिश से जैसे नीचे की जगह पर जा रहा था गीला रहने के वजह पैर को कैसे घुटने के बीच में जैसे खराब हो जाता है, ज़्यादा गीला हमेशा गीला रहे किसी को, तो मलम सम मलम रहने दो, वो हिमालय डांबर कलर जैसा मलम है बोल जैसे आपके पास रहने दो, मक्खी पिक्की ज़्यादा वो करने से फिर जल्दी वो बीमारी और बढ़ सकती है। और बकरी क्यों तो होगा है तो बहुत डेंजर, बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, लेकिन इनको थोड़ा कम ज़्यादा ध्यान देने से भी जम जाएगा भेड़ को। भेड़ को इतना कुछ जल्दी लगेज पकड़ता नहीं है, पकड़ा ही तो भी थोड़ा ध्यान देने से सुबह शाम दवा करेंगे तो वो निकल जाएगा, बारिश से जो दवा हो गया वो उनको दो उनको अंगूठे के बीच में दो नाखून के बीच में, तो ये बारिश के जैसे जो बीमारी है मुँह में जैसे बाहर चढ़ते टाइम ये गीला होने के और कुछ हरा ज़्यादा होने की वजह से, अभी धूप गिरती नहीं, धूप के वजह से तो बीमारी जो है वो गिर जाती है मर जाती है। लेकिन आप भी समझ लो 25 दिन होने को आए दोस्तों करीब, वो कोई सूर्य दर्शन नहीं, और ये सूर्य दर्शन न होने की वजह से, सूर्य दर्शन कुछ ना होने की वजह से बारिश थोड़ा थोड़ा आती, दिन में जैसे पूरा 24 घंटे में एक दो बार बारिश आती रहती है, और बारिश की वजह से हमेशा गीला रहता है और यही जैसे प्रॉब्लम होते हैं। इसीलिए ऐसे बीमारी के लिए और ऐसे बारिश से ज़रूर संभालिए, उनको अच्छा तरह से छत करिए, लाइक जरूर करें दोस्तों, आपको पसंद है शेयर करें। राम कृष्ण, जय जवान जय किसान।